नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जो हिजाब विवाद है वो काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि इसमें अब जो नेता से लेकर के बॉलीवुड की अभिनेता या अभिनेत्री वो भी शामिल हो गए हैं और साथ ही साथ भारत के अलावा अन्य इस्लामिक देश भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिए हैं। बाकी देशों की आप बात छोड़िए, जो भारत की कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में लगभग 60 सालों तक शासन किया, कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अब जो हिंदू हैं ये बताना शुरू कर दिए हैं कि जो लोग हैं वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ऐसा इस देश में कैसे चलेगा, हर बात में कानून ला रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि इस देश में कानून की क्या आवश्यकता है। भारत का बंटवारा ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था और ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा और जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदुओं के लिए होगा और पाकिस्तान जो है मुस्लिम के लिए। तो फिर यहाँ पर संविधान और कानून की क्या जरूरत है? यहाँ पर आप सीधे सीधे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते? यानी जहाँ पर फायदा होगा वहां पर संविधान चाहिए और जहाँ पर फायदा संविधान से नहीं है वहां पर इस्लाम और धर्म चाहिए। यही तो इस देश में चल रहा है और इस देश में जो हिजाब की कट्टरता है वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो मजहबी कट्टरता है ये बचपन से इनको शिक्षा दी जाती है कि आपको जो भारत में संविधान के हिसाब से नहीं चलना है, आपको इस्लाम और शरीयत के कानून के हिसाब से चलना है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, जब भारत का संविधान बना उस संविधान में भी मुस्लिम लोगों को शामिल किया गया था, उनकी बातें सुनी गई, उनके विचार सुने गए, लेकिन जब हस्ताक्षर करने की बारी आई तब सदन में 296 लोग मौजूद थे जिसमें से मात्र 284 लोगों ने सिग्नेचर किए। अब आप पूछेंगे कि बाकी के लोग कहाँ गए, तो बाकी के लोग मुस्लिम थे, यानी कि उनका साफ ऐसा कहना था कि हम इस संविधान पर साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम भारत के बनाए गए संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि जो मुस्लिम उस संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान की हर बात पर चर्चा के लिए अपने विचार रखे और अपनी मांग रखी मुस्लिम समाज के लिए, और जब वही कानून बनकर के तैयार हो गया तो उस सभा के लोगों ने कह दिया कि हम संविधान नहीं मानते, तो फिर ये दाढ़ी टोपी बुरका और हिजाब वाले भारत के संविधान को क्या मानेंगे? आप इस बात को ऐसे समझिए कि इस देश में जो हिजाब है ये सिर्फ हिजाब नहीं, ये एक जिहाद है और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री के कुछ नेता और अभिनेता भी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ये वही अभिनेता और बॉलीवुड के लोग हैं जो कहते हैं कि बेटियों को माँ बाप की बातों को मानने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते। अब वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि यदि उनके पेरेंट्स बिना हिजाब के स्कूल नहीं भेजेंगे तब उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बॉलीवुड के हिसाब से जल चढ़ाना यानी कि शिव जी की पूजा करना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, ये सब मूर्खता में आता है, लेकिन हिजाब पहनना अल्लाह के बंदे और इस्लाम का रखवाला होना कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो विवाद चल रहा है इस विवाद की जो जड़ है, जो लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है या हमारा अधिकार है, तो अगर वो आज अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो आप भी अपना 1947 वाला अधिकार मांगिए। इस देश का बंटवारा ही तो हिंदुओं के लिए हुआ था, तो इस देश में हिंदुओं के अधिकार कहाँ गए? और हिंदुओं के अधिकार पर मुसलमानों के अधिकार अगर इतने भारी हो गए हैं तो हम बात यहां से नहीं, यानी 2022 से नहीं, 2021 से नहीं, बल्कि सीधे 1947 से करेंगे। दो हमारा अधिकार जिसका बंटवारा ही हिंदुओं के अधिकार के लिए हुआ था, हिंदुओं के हक के लिए हुआ था, और तब हम तुमसे बात करते हैं हिजाब क्या है और तुम्हारा अधिकार क्या है। तुम्हारा अधिकार तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन तुमने 11% जनसंख्या होने के बावजूद भी इस देश की 25% जमीन अपने नाम करवा लिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो मेहमान हैं, किरायेदार थोड़ी हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि जिनके अब्बा ले चुके हैं पाकिस्तान उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्तों जो विवाद है ये विवाद नहीं है, ये हिजाब नहीं है, ये पूरा जिहाद है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री हो या नेता हो वो सारे के सारे इसके समर्थन में है। अगर कोई इसके खिलाफ है और आपके साथ है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। बाकी नेताओं का या कुछ बिके हुए दलाल मीडिया चैनल्स का जो इस्लाम की प्रशंसा करते हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, उनका कहना है कि जो इस देश में बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, बाकी पार्टियां मुसलमानों के साथ खड़ी हैं तो वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हैं, और बीजेपी अगर हिंदुओं के हक की बात कर रही है तो हिंदू मुसलमान है।
तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हिंदुओं के हक की बात करना हिंदू मुसलमान है तो हमें बीजेपी पसंद है और हमें हिंदू मुसलमान वाला स्टेटमेंट पसंद है। और एक दूसरा विवाद जो ताजमहल से जुड़ गया, कुछ लोग भगवा पहन करके ताजमहल में जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो भगवा पहन रखे थे। अब आप सोचिए कि जो हिंदू या हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुओं के हक के लिए हुआ, उस देश का हिंदू तिलक लगाकर भगवा पहनकर ताजमहल नहीं जा सकता है, लेकिन मुसलमान भारत के स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में, जहां पर ड्रेस कोड लागू है, जहां पर संविधान लागू है, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे और अपने अधिकार के नाम पर, इस्लाम के नाम पर खुलेआम दंगा फसाद करेंगे। ये आवाज जो थी उठनी चाहिए थी हिंदुओं की तरफ से कि हमारा अधिकार कहाँ गया और इस देश में संविधान अगर बना था तो संविधान कहाँ गया। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जरूरत से ज्यादा छूट मिल गई उनको और वो बिगड़ गए और उनके बिगड़ने का फायदा आज हिंदुस्तान के हिंदू समाज को मिल रहा है। आपको ये अच्छा मौका मिला है, इस देश में बहुत पहले आवाज उठनी चाहिए थी हिंदुओं की तरफ से, लेकिन किसी ने इस आवाज को उठाया नहीं। देर आए दुरुस्त आए, पूरे भारत में चाहे हिजाब हो, नमाज हो या फिर बुरका हो, स्कूलों में इसकी कोई जगह नहीं है। और अगर यदि कोई ऐसा करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, आप भी भगवा पहनिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए ही मिला था। तो फिर आप अगर अपने अधिकार के साथ नहीं जी सकते तो फिर वो कैसे हिजाब और बुरका पहन करके आ सकते हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार की नमाज का भी पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगलवार को हनुमान चालीसा स्कूलों में नहीं होता है, और यदि आप स्कूलों में नमाज करवाते हो तो फिर आपको हनुमान चालीसा करवाना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है कि जब हिंदू अपना अधिकार अपने राइट्स के तहत, संविधान के तहत ले। यदि ये देश संविधानिक बना है तो क्या हिंदू संविधान के तहत चल करके वो अपने अधिकार की मांग भी नहीं कर सकता है? क्या वो गलत का विरोध भी नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जागते रहिए और अपने अधिकारों की बात करते रहिए और अपने अधिकार मांगते रहिए। और ये जो हिजाब है इसका पूरा हिसाब अब होके रहेगा, और भारत जो है यदि यहाँ पर संविधानिक सिस्टम लागू है तो इस संविधान के तहत चलेगा, इस्लाम के हिजाब के, बुरका और नमाज के हिसाब से नहीं चलेगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।